खबर शाहजहांपुर जनपद से, जहां पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर एस आनंद द्वारा थाना रोजा की हथौड़ा चौकी पर भगवान भोलेनाथ व श्री राधा कृष्ण जी की पूजा अर्चना के बाद कांवड़ यात्रियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान अपने हाथों से श्रद्धालुओं को भोजन व फलाहार कराया गया तथा पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत सत्कार किया गया। सरकार की मंशा के अनुसार कांवड़ियों के रास्तों को सुगम बनाने का भी काम स्थानीय पुलिस कर रही है। पुलिस कांवड़ यात्रियों सुरक्षा के साथ साथ उन्हें भोजन कराना और पुष्प वर्षा कर उनका मनोबल बढ़ाना इस पुण्य के काम में भी पुलिस अपना योगदान दे रही है। इस अवसर पर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अरविंद कुमार क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक रोजा, कुंवर बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं इसी क्रम में थाना रामचंद मिशन प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह व क्राइम निरीक्षक अमित पांडे के नेतृत्व तथा थाना रामचंद्र मिशन थाने गेट पर पूरी पुलिस टीम ने कांवड़ यात्रियों श्रद्धालुओं को फल आदि वितरित किया व पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया। वहीं शाहजहांपुर फर्रुखाबाद से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने गोला के लिए कांवड़ लेकर जा रहे लाखों कांवड़ियों को पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथों से खाना खिलाकर उन पर पुष्प वर्षा की। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के सुभाष चौराहे पर कांवड़ियों के लिए बने पुलिस सहायता केंद्र पर आज शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने पुलिस विभाग की तरफ से एक विशाल भंडारे का आयोजन कराया। इस भंडारे में पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन कराया और कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत सत्कार किया। एसपी ने बताया कि पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें भोजन कराने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। सरकार की मंशा के अनुसार कांवड़ियों के रास्तों को सुगम बनाने का भी काम पुलिस कर रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस कांवड़ियों की सिर्फ सुरक्षा किया करती थी, लेकिन अब सुरक्षा के साथ साथ उन्हें भोजन कराना और पुष्प वर्षा कर उनका मनोबल बढ़ाना इस पुण्य के काम में भी पुलिस अपना योगदान दे रही है। एसपी ने कांवड़ियों के लिए बने पुलिस सहायता कैंप में कांवड़ियों को अपने हाथों से भोजन कराकर उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके कांवड़ियों का स्वागत सत्कार किया। कल श्रावण का तीसरा सोमवार है और हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु गोला को करना मंदिर में जल चढ़ाने को जा रहे हैं। इसकी हमारी तैयारी शुरू से ही मुकम्मल है। पूरे रूट पर कोई भी बड़ी गाड़ी जो इनके अलावा हो उसको आने नहीं दिया जा रहा है, ट्रैफिक डाइवर्शन किया गया है। तो बहुत उत्साह और उमंग के साथ लोग बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर जा रहे हैं। इसमें प्रशासन भी उनके सहयोग में है और जैसा आपने भी देखा, हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से थाना रोजा के प्रभारी निरीक्षक, हमारे सीओ सदर, सीसीटी सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन पर पुष्प वर्षा की गई। उनके उमंग में, उत्साह में हम लोगों ने भी एक तरह से प्रतिभाग किया और उस जो भक्ति का माहौल है उसको बनाए रखने की अपील की गई उनसे। और मेरा पूरा विश्वास है कि पूरा जो श्रावण मास है उसमें जो भी कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए हमारी व्यवस्था इसी तरह बिल्कुल दुरुस्त बनी रहेगी। किस तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? ये ठीक थाना अल्लाहगंज जो पड़ता है जलालाबाद सर्किल में, वहाँ से एंटर कर रहे हैं ये लोग वहाँ पांचाल घाट से जल लेकर, चूँकि इस बार जैसा आप जानते हैं यहाँ ढाई घाट का जो है उस पुल के ना क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सारे श्रद्धालु वहीं से होकर आ रहे हैं। और पूरे मार्ग में हमारी पुलिस व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। थाना अल्लाहगंज, उसके बाद फिर जलालाबाद, जलालाबाद से फिर कांट, कांट से फिर रामचंद मिशन, फिर कोतवाली, फिर रोजा। तो ये पूरा जो रूट है इनका, उसमें सभी थाने की पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पे लगी है। जैसा आप जानते हैं कल रात में बहुत देर तक श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा रहा।